हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा बच्चों अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है एन में तो आई होप आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा आज हम एक बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है तो पहले क्वेश्चन देखते हैं ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान एन स्टेज वन ट्वेंटी में पूछा गया है एंड लेट सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज से पेयर ऑफ बैलेंसी इज एग्जीबिटेड बाई टेन इज तो आपको कुछ वैलेंसी दे रखी हैं टिन के बारे में क्वेश्चन है और वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ वैलेंसी टिन पर अप्लाई होता है तो आपने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा होपफुली वैलेंसी को बेसिकली हम कैसे बताते हैं नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन से बता सकते हैं तो अगर बैलेंसी की बात करें जो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम बैलेंसी का देखें तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स

और कार्बन से आप नीचे चलते जाओगे तो क्या आ जाएगा आप टिन लेड इस तरीके से आप अगर आपने लर्न करी हुई है पीरियोडिक टेबल अगर पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं करी हुई आई एडवाइज कि आप एटलीस्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा लर्न कीजिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो जब आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक लर्न करेंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे आपको करने के लिए तो अगर हम टिन की बात करें तो टिन बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली और ये होता है ग्रुप नंबर फोर्टीन ग्रुप नंबर का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो दिनोटेड बाई एन तो ग्रुप फोर्टीन का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो कितना आता है एन एस टू एनपी टू इट मीन इसके आउटर शेल में बैलेंस शेल में टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स है अब अगर ऊपर वाले फॉर्मूले अप्लाई करें

अब इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है उस वेरिएबल वैलेंसी को सिलेक्ट करने का उस सेकेंड वैलेंसी को सिलेक्ट करने का वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो अब हम देख लेते हैं तो अगर उस कॉन्सेप्ट की बात करें तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्सेप्ट का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट कब अप्लाई होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअली में अप्लाई होता है टू हेवियर एलिमेंट्स वियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन यानी बोरॉन फैमिली कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली की जो हेवी एलिमेंट्स हेवी एलिमेंट्स का मतलब जो नीचे नीचे आ रहे हैं जिनका मास बहुत ज्यादा है तो अगर हम हेवियर एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप थर्टीन में हेवियर एलिमेंट्स हो जाएंगे इंडियम एंड थैलियम ग्रुप फोर्टीन मेंलीमेंट्स यानी कार्बन फैमिली में हेवियर एलिमेंट्स हो जाएंगे टिन एंड लेड और ग्रुप 15 की यानी नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो हेवियर एलिमेंट्स हो जाएंगे एंटीमिनी एंड बिस्मिथ तो इन एलिमेंट्स पर ये इनर्ट पेर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है अब इस कॉन्सेप्ट में है क्या देखो इनकी पोजीशन अगर आप देखोगे तो इन एलिमेंट्स के पहले डी ब्लॉक एफ ब्लॉक फिल हो रहा है इसका मतलब इनके ही एटम में डी इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और एफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे अब डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है दैट इज वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन नहीं कर पाते हैं इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है उसको स्क्रीन नहीं कर पाते अब इस चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में पिक्चराइज करो कि अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा शील्ड नहीं हो रहा इट मीन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगा या वैलेंस शेल पर बढ़ जाएगा तो बिकॉज इन एलिमेंट्स के फिल होने में के पहले डी और एफ फिल हो चुका है यानी इनके एटम में डी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और एफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है तो इनमें जो न्यूक्लियस होगा उसका होल्ड उसका अट्रैक्शन उसका न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल पर बहुत ज्यादा होगा इन इनकी वैलेंसी देखी जाए तो इन ग्रुप की क्या होती है जनरल कॉन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप थर्टीन ग्रुप फोर्टीन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया एन एस टू एन पी टू और ग्रुप फिफ्टीन की बात करें तो हो जाएगा एन एस टू एन पी थ्री ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आउटर शेल में यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी थ्री होगी यहाँ पर फोर है तो फोर होगी यहाँ पर फाइव है तो फाइव होगी ये तो नॉर्मल जनरल वैलेंसी है पर जब इनर्ट पर इफेक्ट लगता है और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर बढ़ जाता है तो ये जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड हो जाते हैं और इनका पार्टिसिपेशन बॉन्डिंग में कम हो जाता है ऑल दो तो इसके फॉर एग्जाम्पल ग्रुप थर्टीन में आउटर शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स है पर इन तीन में से जो एस के दो इलेक्ट्रॉन्स है दिस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम इनर्ट तो यहां पर एक और वैलेंसी एग्जिबिट करेंगे वैलेंसी ऑफ अलॉन्ग विन क्यों क्योंकि तीन में से दो इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो रहे एक इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट हो रहा है सिमिलरली जो ग्रुप फोर्टीन होगा उसमें फोर के साथ साथ एक टू वैलेंसी भी शो शो होगी क्योंकि ये जो एन एस वाले इलेक्ट्रॉन है ये इनर्ट हो गए तो सिर्फ पी वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे सिमिलरली ग्र ग्रुप फिफ्टीन में फाइव के साथ साथ ये दो हो गए इनर्ट अब वैलेंसी क्या चलेगी फाइव के साथ साथ थ्री भी चलेगी तो ग्रुप थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन में जो जनरल वैलेंसी है, जो नॉर्मल वैलेंसी है वो टू से डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट किस पर लग रहा है और क्यों लग रहा है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से इनकी वैलेंसी दो से कम हो जाती है डिक्रीजेस बाय टू और ये इस तरीके से वेरिएबल वैलेंसी शो करने लग जाते हैं अब जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा आप तुरंत आंसर बता पाओगे कि हम टिन की बात कर रहे हैं तो फोर के साथ साथ उसकी वैलेंसी क्या चलेगी टू भी चलेगी तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं तो हमारे पास टू और फोर वाला ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन फोर और यही इसका करेक्ट आंसर है राइट right, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो नो no डाउट आपकी जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं वो तो रिवाइज होंगे ही होंगे आपको इस तरीके के बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ने को मिलेंगे राइट होप फुल आपको ये इफेक्ट समझ में आया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो क्वेश्चन भी मैंशन कीजिएगा गुड लक थैंक यू सो मच